लो बेटी, बट सावित्री के पूजा में इस धागे का एक सिरा पेड़ से बांधकर तुम दोनों को पेड़ के 108 चक्कर लगाने हैं। और याद रखना, चक्कर लगाते वक्त मन में सिर्फ और सिर्फ पति का ध्यान हो। सपने ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते। No way, प्लीज इस सपने को सपना ही रहने देना। तुमको चिंता मत कर ओंकारा को ना, मैंने सजा देनी है इसका। ये ना इंसाफी है, इसकी सजा तो ओंकारा को भुगतनी पड़ेगी। और कितने आदमियों को मरवाओगी एसीपी भाव्या राठौर? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने 5 साल पहले तुम्हारी दुनिया में आग लगा दी थी। हिम्मत है तो सामने आओ ना, बताओ तुम कौन हो। हिम्मत है तो पता लगाओ। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, पर उसके बाद तुम बचोगे नहीं। वो तो बात की बात है, पहले उसे तो बचा लो जिसकी जान खतरे में है, तुम्हारा पति रुद्र सिंह ओबेरॉय। डोंट यू डेयर, अगर तुमने उसको कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पहले अपनी जान तो बचाओ। रतन की निशानी, मेरे रतन की यादें, तुझे जला दे। ये ऐसा तो नहीं, रतन के खिलौने बुआ माझी ने खुद जलाए थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? ये ना इंसाफी है। मौत आई थी ओंकारा को लेने पर मेरे रतन को लेके चली। ये ना इंसाफी है, इसकी सजा तो ओंकारा को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इसका मतलब मुहम्मद जी ओंकारा जी को मारना चाहती है। पूजा खत्म होते ही हम चले जाएंगे। अभी तक आ जाना चाहिए था ना दोनों को, पता नहीं कहाँ रह गए। बुआ माँ, अब चिंता क्यों कर रही हो, बस आते ही होंगे। पता है जानवी, रतन का ब्याह देखना मेरे नसीब में नहीं था, तो मैंने सोचा कि ओम की के शादी में अपने सारे अरमान में पूरे कर लूंगी। पर ये खुद पर है ना पहले से शादी करा के आ गया, इसलिए तो दोबारा में फेरे करवाऊंगी। पूजा के लिए सुपारी चाहिए थी, किसी से मंगवा लीजिए। हाँ हाँ, मैं लेके आती। अरे नहीं, रुक, मैं लेके आती, अभी लेके आती। कैसे बताऊं बुआ माँ को कि गौरी अब इस घर में वापस नहीं आने वाली। हो गई पूजा, क्योंकि पूजा का तो कोई फायदा ही नहीं है, जिसके लिए तू पूजा कर रही है वो तो मरेगा ही। What do you want? वो सामने गाड़ी देख रही है, ब्लैक कार। उस ब्लैक कार में जाके बैठ जा, चुपचाप बिना कुछ बोले। Please,
बुआ माँ जी के दिमाग में क्या चल रहा है तो सिर्फ वही जानती है। हम इतना जरूर जान गए कि ओमकारा जी की जान को खतरा है, तो वो भी इतने भोले चिरौटे हैं। बुआ माँ जी के खिलाफ एक सब नहीं सुनना चाहते, समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। कैसा लगा हमारा तोहफा? ओबरॉय मेंशन के अंदर सिक्योरिटी तोड़कर घुसना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैठो। माय बेड, द लव ऑफ माय लाइफ, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारे ऊपर दो गंदे जले हुए मैनिक्विंस पड़े, बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया है जहां वो कभी किसी को नहीं मिले। ये भव्या की वजह से हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया था, बट अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। तेरे घर के अंदर तक पहुंच सकते हैं तो सोच ले क्या क्या कर सकते हैं। भूल से भी घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस सुल्तान के आदमी भी कितने ओल्ड फैशन्ड हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में मुझे लेटर भेज रहे हैं। अच्छा हुआ, ओके फेरों के चक्कर में बाहर नहीं गए। पर भव्या तो भारी है। I hope she's fine. मेरा फोन काट दिया? भाई वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? गौरी भाभी को फोन करता हूं। हेलो। हाँ रूडी भैया। अब भाभी, भव्या कहाँ पे है? भव्या एक मिनट, इधर ही थी, अब दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? मुझे उससे कुछ बात करनी थी, बात कर रही ना? हाँ हम देखते हैं। हाँ भव्या, रूडी भैया वो तो किसी के साथ गाड़ी में बैठी है। किसके साथ? पता नहीं, कोई गुंडा टाइप चिरोटा दिख रहा है। भाभी उसे बात करवाइए मेरी। हाँ भव्या, भव्या, भव्या! भव्या तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कहीं उन लोगों ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? भाभी किस तरफ गए वो लोग? सिटी एग्जिट हाईवे। सिटी एग्जिट हाईवे? हाँ उसी तरफ गई है। पूरी भैया क्या बात है, कोई परेशानी है का? नहीं, चुलबुल भाभी और ओकी शादी, इनको बताऊंगा तो घर में सब पैनिक कर जाएंगे। नहीं भाभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक वो घर वालों से मिलने गई होगी। मैं उसे फोन करता हूँ। ओंकारा जी से हमने कहा था पूजा खत्म होते ही यहाँ से चले जाएंगे, पर ये जानने के बाद कि उनकी जान को खतरा है, हमने अकेले कैसे छोड़ दे? वापस घर पे तो नहीं जा सकते, तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या करें हम शंकर जी? हम बरेली चले जाते।
रात्रि मुझे सुपारी मिली नहीं रही थी तो अरे तू रो क्यों रही है जानवी? पंडित जी कहाँ गए? मैंने भेज दिया उन्हें। वापस भेज दिया क्यों? क्योंकि उनका कोई काम नहीं है अभी। कैसे बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं? फेरे क्या पंडित जी के बगैर नहीं? ये शादी अब नहीं होगी बुआ मां। शादी नहीं होगी? मैं समझी नहीं। तुम दोनों ने मुंह में दही जमा के रखा है? की गल है? What's happening? बुआ मां, गौरी चली गई। गौरी चली? वो गौरी कैसे जा सकती है? उनकी मैं कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ गई गौरी? Can you tell me? अरे कितने चली गई गौरी? ऐसे कैसे चली गई? उसे पता है ना कि उसकी फेरे हो रहे तेरे साथ। तूने बताया चली गई? कम से कम मुझे तो बता। और तू, तूने उसे जाने कैसे दिया? होमकी, तुझे पता है ना मेरे लिए तेरे फेरे कितने इम्पोर्टेंट है? जानता हूँ बुआ माँ, जानता हूँ। लेकिन लेकिन इन फेरों का कोई मतलब नहीं है। अगर ये फेरे हो भी जाते हैं ना तो भी गौरी को इस घर से जाना पड़ता, और वो भी हमेशा के लिए। क्या कह रहे तू? मामा, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। गौरी और मेरे बीच ना कोई रिश्ता है और ना ही कभी होगा, और ये बात गौरी भी अच्छी तरह जानती है। एक बार पहले भी हम फेरे ले चुके हैं, जब मेरे लिए वो मायने नहीं रखते तो दोबारा लेने से भी मायने नहीं रखेंगे। और मैं गौरी को अपनी पत्नी नहीं मानता हूं, और ना ही कभी मान पाऊंगा, और इसीलिए वो चली गई। और हम सब के लिए अच्छा है कि वो चली गई हमेशा के। फोन तो उठा लो प्लीज। हेलो भव्य, आप कहां पे? आप किसके साथ है? आप कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? अबे प्लीज आंसर कीजिए। हेलो, ये आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? ये तो कोई कच्चा सा रास्ता लग रहा है, कहां को जाता है ये? हेलो, माँ, माँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। मैं तुझे दुनिया में नहीं ला सकी पुत्र। I'm sorry। मैं तुझे दुनिया में नहीं ला पा रही बेटा। पता है इतने साल में मर मर के जीती आई हूँ इस उम्मीद के कि मैं तुझसे मिलूंगी। मेरा बेटा मेरे पास आएगा, अपने माँ के पास आएगा मेरा बेटा। पर इन लोगों ने मेरी उम्मीद छीन ली। क्या अप्लाई करूँ ना? कैसे मिलूंगी मैं तुझसे बेटा? मैं हार नहीं मानूंगी। तू आएगा इस दुनिया में।
तुझे इस दुनिया में लेकर आऊंगी रतन, तेरी माँ तुझे इस दुनिया में लेकर आएगी। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का पूरा हक है, लेकिन माँ होने के नाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि गौरी को भेजकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। How do I explain that? गौरी ओबेरॉय फैमिली की बहू बनने लायक नहीं है, उसमें और स्वेतलाना में कोई फर्क नहीं। गौरी वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं, उसका असली रूप मैंने देखा है। गौरी इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। रुक जा जानवी, अपने बेटे से कह कि मेरा बेटा लेकर आए, मेरा रतन लेकर आए, और अगर नहीं ला सकता तो गौरी को लेकर आए। It's not possible, बोमा। गौरी और मैं कभी एक नहीं हो सकते, हमारे बीच ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। अच्छा, फिर मुझसे वादा क्यों किया था? मेरे बेटे होने का नाटक क्यों किया था तूने? मेरे दिल में उम्मीद क्यों जगाई थी तूने? I'm asking you for the last time, आखिरी बार पूछ, तू गौरी को लेकर आएगा कि नहीं? और मैं भी बोल चुका हूँ बुआ, गौरी अब इस घर में नहीं आएगी। Okay. मेरी बात भी सुन ले, अगर तू गौरी को वापस नहीं लाएगा ना तो तेरी बुआ माँ भी ना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।